अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज की मेरी वीडियो है फाइव भिंडी रेसिपी। सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आगे चल के आप देख सकते हैं मेरी वीडियो। सो गाइस, बनने वाली है भिंडी। तो यहाँ पे मैंने भिंडी का सामान जो है, जो जो मुझे चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो मैंने यहाँ निकाल ली हैं, और भिंडी जो है फ्राई करने के लिए रख दी है। तो मैंने यहाँ पर 3 से 4 बड़े प्याज लिए हैं जिनको मैंने कट कर लिया है, और 2 अदद मैंने टमाटर लिए थे जिनको मैंने कट कर लिया है, और जो बारीक वाली मिर्ची होती है वो मैंने 4 से 5 ली थी उसको भी मैंने कट कर लिया है, और जो ये मोटी वाली मिर्ची होती है ये भी मैंने 4 से 5 ले ली, क्योंकि मुझे हरी मिर्ची बहुत पसंद है, स्पाइसेस पसंद है, स्पाइसी खाने पसंद है, तो इस वजह से मैंने हरी मिर्ची का यूज़ ज़्यादा किया है। और 1 टेबल स्पून मैंने लिया है इसमें सॉल्ट, 1 टेबल स्पून मैंने लिया है रेड चिल्ली पाउडर, एंड 1/2 टेबल स्पून लिया मैंने टर्मेरिक पाउडर। यहाँ पे मैंने थोड़ी सीम ली है जो मैंने भिगो दी है ताकि भिंडी में थोड़ी सी खटास आ जाए। सो गाइस, भिंडी भी फ्राई हो गई है और इसको मैंने निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि इसमें से अभी धुएँ निकल रहे हैं। भिंडी मैंने इसलिए पहले फ्राई कर ली थी क्योंकि खाने को और इसी लेट, तो मैंने जल्दी से कट करके इसको फ्राई करने रख दिया था, और बाद में मैंने वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट की थी। भिंडी फ्राई हो चुकी थी, इसको मैंने निकाल लिया है। सो अब मैंने पतीली में ऑयल डाली और ऑयल गर्म हो चुका है, तो उसके अंदर मैं ऐड करने वाली हूँ प्याज। तो प्याज ऐड करने के बाद मिलते हैं। सो गाइस, यहाँ पर मैंने देचकी में ऑयल डाल लिया था जो गर्म हो गया, तो मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी। सो गाइस, यहाँ पे प्याज जो है बिल्कुल ब्राउन नहीं करी, बस मैंने हल्के से इसको सॉटे किया है, मीन के हल्के से। जब प्याज नरम हो गए तब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टमाटर और हरी मिर्चें जो मैंने यहाँ कट करके रखी हुई हैं। तो अभी हम डाल देंगे हांडी में, मीन के देचकी में। क्योंकि मुझे भिंडी में कच्चे कच्चे प्याज पसंद है, तो मैंने इसलिए प्याज़ों को जो है ज़्यादा मैंने ब्राउनिश नहीं किए मैंने, तो बस मैंने कुछ इस तरह से किए थे क्योंकि मुझे इस टाइप के अच्छे लगते हैं। अब हम अपने सारे स्पाइस ऐड करने वाले हैं। इमली का पानी थोड़ी देर में, सॉल्ट, चिली पाउडर एंड टर्मेरिक पाउडर, ये अब हम डाल देंगे अपनी देचकी में। तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज़ें ऐड कर दी है, नमक, लाल मिर्ची एंड हल्दी, और यहाँ पे मैंने इन सब चीज़ों को मिक्स भी कर लिया। आप देख सकते हैं कि कितना अमेजिंग लग रहा है, मीन के हर कलर अलग से नज़र आ रहा है, रेड, ग्रीन एंड प्याज का लाइट पर्पल कलर, कलरफुल, बहुत अमेजिंग सा लग रहा है। ये मसाला भी रेडी होने वाला है, तो अब हम इसमें थोड़ी देर में डालेंगे इमली का पानी। सो गाइस, अब ये इमली का पानी जो है, मैंने इसमें से इमली की जो गुठलियाँ हैं वो निकाल दी हैं, तो अब ये इमली का गूदा है, तो अब हम ये डाल देंगे अपने हांडी में। सो गाइस, अब हमारा मसाला भी हो चुका है रेडी, तो अब बारी है भिंडी को भी ऐड करने की। तो अब हम भिंडी को ऐड करेंगे, और मैंने भिंडी को अच्छे से फ्राई कर लिया है। इसकी जो लेस है वो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल भी नहीं है, लेस जो होती है इसमें मैंने अच्छे से फ्राई करके वो मैंने ख़त्म कर दी है। सो यहाँ पे मैंने भिंडी को भी ऐड कर लिया है, अब मैं इसको मिक्स करती हूँ, देन आपको दिखाती हूँ। सो गाइस, यहाँ पे मैंने भिंडी मिक्स भी कर दी है, और आप देख सकते हैं कि मेरी नियामीन की भिंडी हो चुकी है रेडी। अब मैं इसको 5 मिनट के लिए दम पे रख दूँगी, और उसके बाद इसको सर्विंग डिश में निकाल के आप लोगों को दिखाती हूँ। और बस सो गाइस, यहाँ पर भिंडी जो है वो हो चुकी है रेडी, और इसको मैंने सर्विंग डिश में निकाल लिया है, तो आप ये देख सकते हैं। और अब कुछ लोगों ने कहना है कि इसमें क्या मुश्किल थी, ये तो हम भी बना सकते हैं, इसमें क्या ऐसी चीज़ थी। सो भाई, आई नो के सब बना सकते हैं, इसलिए मैंने भी बनाई, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। बस मैंने सोचा कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ ये अपनी रेसिपी, तो मैंने शेयर कर दी। तो बस, और लोगों का काम है सोचना, जैसे सोचते हैं सोचते रहें। सो
ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। सो गाइस ये थी मेरी आज की वीडियो, आई होप कि आप लोगों को पसंद आई हो। तो अगर पसंद आई हो तो गिव मी अ बिग थम एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और बस अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।